पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके आइन के मुताबिक कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ कोई फैसला यहां पर नहीं हो सकता, ना कानून साजी हो सकती है। आपने नजरअंदाज किया कि ये जो सर्विस रोड है बंद, ये पुल की वजह से बंद हुई है, ये नस्ला टावर की वजह से बंद नहीं हुई है। अगर कोई फर्द भी चाहे वो किसी भी मनसब पर बैठा हुआ है, अपनी जिद और अपनी अना की वजह से कोई फैसला करेगा तो हम बिल्कुल यह बमांगे दोहल कहते हैं, इस फैसले को हम कबूल नहीं करते। जस्टिस गुलजार साहब, जब आप कराची तशरीफ लाए और अपने इंसाफ की कुर्सी के ऊपर जब बैठे तो उससे पहले जरा ग्रीन लाइन का दौरा कर लीजिएगा महमूदाबाद की, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि के इलेक्ट्रिक के पास वो कौन सी ताकत है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं करता। थोड़े थोड़े पैसे कोई सरकारी मुलाजमत करता था, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करता था और तिनका तिनका जमा करके ये आशियाना बनाया है, और आप अपने फैसले के तूफान से इस आशियाने को गिराना चाहते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपील करता हूं, अर्ज करता हूं कि आप अपने फैसले को रिविजिट करें। और मैं आज आप लोगों के सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि ये गिराने के लिए आएंगे हम क्या कर सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास बुलडोजर है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जमात इस्लामी की हैसियत में, अमीर जमात इस्लामी कराची की हैसियत में मैं इन बिल्डोजर के सामने आकर खड़ा हूं इंशाअल्लाह ताला। और कराची के आवाम से अपील करूंगा कि आओ और खड़े हो। चीफ साहब, जिस कानून के तहत बनी काला को रेगुलराइज किया गया है उसी कानून के तहत नस्ला टावर को रेगुलराइज करें, वरना हमें पता चल जाएगा कि आपकी अदालत भी ताकतवरों के साथ है, मिडिल क्लास और गरीब लोगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। 14 कौमी असेंबली की सीटें जीती थी पीटीआई ने इस शहर से, मोहम्मद अली भाई कोई पीटीआई का एक बंदा भी आपके पास आया? कोई एक एमएनए आया? कोई एक एमपी आया? कोई एक वजीर आया? ये इदारे एकजहती हम जारी रखेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में खुद भी पेश होना चाहते हैं। अगर इस मसले को किसी नतीजे तक पहुंचाना है और हल करना है तो जमात इस्लामी की हैसियत से मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें सुने आप, और अगर इसको गराना आपको इतना ही मकसूद है तो पहले इनको मुतबादिल फराहम करें, हुकूमत की जिम्मेदारी लगाएं कि वो इनको मुतबादिल फराहम करे, और फिर उसके बाद आपको गिराने का शौक है तो आप पूरा कर लीजिए, अदरवाइज हम मुजाहमत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, जो आपसे बन पड़े वो आप कीजिएगा।